फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डेड हेड्स मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मूवी जरूर पसंद आएगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक माइक नाम के आदमी को देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी कंडीशन और एक अजीब सी जगह पर पाता है, और उस वक्त उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब। और माइक जब एक घर की तरफ बढ़ता है तो अचानक से एक आदमी उसको शूट कर देता है, जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि वो मर चुका है और अब वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है। और इस दौरान वो बहुत ही ज्यादा डरा होता है और जंगल की तरफ भाग रहा होता है, जहाँ पर वो देखता है कि कुछ ज़ॉम्बी इकट्ठा होकर एक इंसान को बुरी तरीके से नोच नोच कर खा रहे थे। ये सब देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तो उसी दौरान एक आदमी से वो टकरा जाता है जिसका नाम ग्रैंट होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि ग्रैंट जब माइक को बात करते हुए देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये भी मेरे जैसा ही है, जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है पर अभी भी बात कर सकता है। हालांकि माइक इन सब चीजों को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो वहां से भाग कर जाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, पर पुलिस भी उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। उसी वक्त ग्रैंट आकर उसका फोन कॉल काट देता है, और हालांकि माइक को अब विश्वास हो जाता है कि वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। इसके बाद जब वो दोनों बार में बैठे होते हैं तो माइक अपनी जेब में से कुछ निकालता है, और वो कुछ और नहीं एक रिंग होती है, जिसको देखकर उसे याद आता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड एली को प्रपोज करने वाला था। और जब उसे पता चलता है कि वो 3 साल पहले ही मर चुका है, तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि एली उसे पागलों की तरह ढूंढ रही होगी। और वो लोग वहां से निकल पाते, उससे पहले ही हम देखते हैं कि वहां पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, और उन ज़ॉम्बी से बचने के लिए वहां काम करने वाला एक आदमी उन पर अटैक करता है। और क्योंकि ग्रैंट और माइक भी ज़ॉम्बी की तरह दिख रहे थे, इसलिए वो उन्हें भी मारने की कोशिश करता है। तो ग्रैंट खुद को बचाने के लिए थॉमस पर अटैक करता है, और थॉमस जब ग्रैंट को धक्का देता है तो उसके पेट में एक नुकीली लकड़ी घुस जाती है। और वो दोनों वहां पर खड़े हुए थे और वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, उससे पहले ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन्हें बाहर की तरफ खींच लेते हैं, जिससे उन दोनों की जान वहां पर बच जाती है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे और थॉमस भी खून से भीगा हुआ था। उसी दौरान वहां पे ज़ॉम्बी पकड़ने वाली संस्था के कुछ लोग आ जाते हैं, जो थॉमस के ऊपर गन तान देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि थॉमस भी इन्फेक्टेड है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब माइक की आंख खुलती है तो उसके सामने एक चीज नाम का आदमी खड़ा होता है, वो भी ज़ॉम्बी था और वो ग्रैंट का दोस्त था। उसी दौरान हम देखते हैं कि वो तीनों जब इकट्ठे खड़े होते हैं तो उनके पास एक क्लिफ नाम का आदमी आता है, जो अपने ट्रक में उन तीनों को लिफ्ट देने के लिए ऑफर करता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी पकड़ने वाली संस्था का जो हेड था चार्लिस, वहां पहुंच कर ज़ॉम्बीज के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ थॉमस को देखते हैं, जिन लोगों ने उसे बंदी बना रखा था वो उन लोगों से रिलीज होकर चार्लिस की ज़ॉम्बी से जान बचा लेता है। ये देखकर चार्लिस बहुत खुश होता है और उसे अपनी टीम में ही काम दे देता है। नेक्स्ट सीन में हमें क्लिफ और ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है, जो क्लिफ के साथ जा रहे होते हैं। फिर अचानक से वो ज़ॉम्बी पकड़ने वाली संस्था के लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं। क्लिफ ये कहता है कि मैं इन लोगों को हैंडल कर लूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। हालांकि वो लोग यहाँ पर क्लिफ के सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो क्लिफ उन्हें धक्का देकर वहां से निकल जाता है। और ये सब कुछ देखकर वो ज़ॉम्बीज भी हैरान हो जाते हैं। और उधर थॉमस भी ज़ॉम्बी पकड़ने वाली संस्था का अब हेड बन चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो सभी लोग क्लिफ की गाड़ी से जा रहे होते हैं तो क्लिफ सो जाता है, तो इस दौरान चीज ड्राइविंग करने लगता है, और वो ड्राइविंग करते वक्त कुछ ऐसा कर देता है कि उनकी गाड़ी रास्ते में ही रुक जाती है। ये देखकर माइक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुम गाड़ी नहीं चला सकते। उसी वक्त क्लिफ बाहर आकर ये बात बोलता है कि तुम परेशान मत हो, आज रात हम यहीं रुक के कैंपिंग कर लेते हैं। और इसी दौरान हम माइक को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड एली को याद कर बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रैंट को देखते हैं, जब वो वॉशरूम करने गया होता है तो उसके पीछे से अचानक एक पुलिस ऑफिसर आकर खड़ा हो जाता है, जो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जब वो ग्रैंट का फेस देखता है कि वो एक ज़ॉम्बी है, बिना सोचे समझे उस पर गन तान देता है। हालांकि ग्रैंट उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो उसकी एक बात नहीं सुनता, और वो पुलिस ऑफिसर ग्रैंट को गन से शूट कर देता है। और उसी वक्त हम देखते हैं कि वहां पर खड़ा चीज पुलिस ऑफिसर को काट कर उसे जख्मी कर देता है, और ये बात ग्रैंट आकर सभी लोगों को बताता है और वहां से चलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लोग बिना समय गवाए वहां से तुरंत ही निकल जाते हैं। इधर थॉमस भी अपना काम करने यानी कि ज़ॉम्बीज को पकड़ने के लिए जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में वही पुलिस ऑफिसर जो अब इन्फेक्टेड हो चुका था वो उस पर अटैक कर देता है। हालांकि वो लोग उसे डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, पर जब वो पुलिस ऑफिसर कंट्रोल में नहीं आता तो थॉमस उसके सर पर लगातार कुल्हाड़ी मारकर उसके सर को उसके धड़ से अलग कर उसे बेरहमी से मार देता है। वहीं हमें दूसरी तरफ एक लैब का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि एक मरा हुआ आधे शरीर में इंसान पड़ा हुआ था, और यहां पर उस आदमी पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसके चलते वो मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है, और वो ज़ॉम्बी होने के बावजूद भी एक इंसान की तरह ही काम कर रहा था। और वो आदमी जब अपना आधा कटा हुआ शरीर देखता है तो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट बिना कुछ सोचे समझे उसको शूट कर देता है। और ये एक्सपेरिमेंट कहीं और नहीं बल्कि ज़ॉम्बी पकड़ने वाली संस्था में ही किया जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंट को देखते हैं, जो एक स्टोर से कुछ सामान लेकर अपने दोस्तों
दोस्तों के पास जा रहा होता है तो अचानक से ज़ॉम्बी पकड़ने वाली संस्था का आदमी उसे पकड़ लेता है। इधर थॉमस ग्रैंट के साथियों को पकड़ने के लिए उनके पास पहुंच जाता है, पर चीज़ इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं होने दे सकता था। वो थॉमस और उसके साथ आए हुए उसके साथी पर भी अटैक करके उन्हें जख्मी कर देता है। हालांकि वो यहाँ पर ट्रक ड्राइवर को भी जख्मी कर ट्रक से भागने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि माइक के पास जो रिंग थी वो गिर जाती है, जिसको लेने के लिए वो ट्रक से कूद जाता है और यहाँ पे थॉमस उसे पकड़ पाता है। उससे पहले ही ग्रैंट चीज की अतड़ियों को उसकी तरफ रस्सी की तरफ फेंकता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे माइक ट्रक में चढ़ने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से किसी तरीके से निकल गए थे तो वो काफी खुश थे, पर यहाँ पर हमें झलक दिखाई जाती है कि क्लिप जो मेडिसिन लिया करता था वो खत्म हो चुकी थी। और फिर अगली सुबह का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लिफ को टाइम से मेडिसिन ना मिलने की वजह से मौत हो जाती है और ये देखकर वो तीनों ही ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि माइक अपनी गर्लफ्रेंड यानी एली से मिलने चाहता था और वहाँ पर एक फंक्शन हो रहा था जहाँ पे उसे पूरा भरोसा था कि एली आएगी। हालांकि यहाँ पर ग्रेट उससे ये बात कहता है, तुम उस लड़की के चक्कर में हम सबकी जान और अपनी भी जान खतरे में डाल रहे हो, शायद तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। पर वो उन लोगों की एक बात नहीं सुनता और उस प्रोग्राम में पहुंच जाता है। हालांकि यहाँ पहुंचने के बाद वो काफी ज्यादा नर्वस फील करता है, इसलिए वो एक चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर एली के सामने जाता है और इस वक्त वो एली के साथ डांस भी करता है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो अपनी सच्चाई और अपना फेस एली को दिखा सके। और जब वो किसी तरीके से हिम्मत करके अपने फेस पे से वो कॉस्ट्यूम उतारता है तो अचानक से वहां पर थॉमस आ जाता है, जो उसे पकड़कर ले जाता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि थॉमस माइक और ग्रेट को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसी वक्त वहां पर चीज आकर उन लोगों को बुरी तरीके से पीटने लगता है। इसी दौरान जब चीज का ध्यान भटकता है तो इस मौके का फायदा उठाकर संस्था का एक आदमी उसे गोली से शूट कर देता है और चीज उसी वक्त जमीन पर गिर जाता है और इसी ही वजह से चीज बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। और उसकी ये कंडीशन देखकर माइक और ग्रैंट दोनों को ही बहुत बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि थॉमस जब वहां से जा रहा होता है तो उसे रोड पर पड़ी हुई वही रिंग मिलती है जो रिंग माइक की थी और इस चीज को देखकर वो कहीं ना कहीं काफी मेल्ट हो जाता है, इसीलिए वो उन लोगों को रिलीज कर देता है और थॉमस की मदद से वो दोनों वहां से बाहर निकलकर सीधा एली के घर की तरफ निकल जाते हैं। और लकीली ग्रैंट की मदद से माइक एली के घर तक पहुंच जाता है और एली के बाहर आते आते ही चार्ल्स अपनी पूरी संस्था के साथ वहां पहुंच जाता है। चार्ल्स कोई और नहीं एली का फादर था, लेकिन यहां पर माइक एली को ये बात बताता है कि उसे मारने वाला और ज़ॉम्बी बनाने वाला कोई और नहीं उसके फादर ही है और साथ ही साथ वो अपनी सारी फीलिंग्स भी एली के साथ शेयर करके और अपनी रिंग देकर उसे वहां से जाने लगता है। पर एली को अब इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि माइक एक इंसान नहीं ज़ॉम्बी बन चुका है और वो उसे रोककर उसे अपने दिल की बात बताती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बात सुनने के बाद माइक के साथ साथ जितने लोग मौजूद थे वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। बेसिकली दोस्तों हम ये बात कह सकते हैं कि ये स्टोरी या ये मूवी एक ज़ॉम्बी की लव स्टोरी पर बेस्ड थी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड थैंक्स फॉर कमिंग।